नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूं, खास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी अक्टूबर 2023 में एग्जाम दिया है और उनका रिजल्ट आया है। वो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या SYC आ रहा है, SYCP आ रहा है, या फिर वो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट जो है एग्जाम फीस से रिलेटेड है, कैसे एग्जाम फीस आपको भरनी है, कब फीस सबमिट होगी, कैसे सबमिट होगी, सारी चीजें जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो नोटिफिकेशन जो है अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले गूगल खोलना है और NIOS स्टूडेंट लॉगिन आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। इसके बाद आपको होम वाले बटन पे आना है और इसको क्लिक कर देना है। एक मिनट, यहाँ होम पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, ये वाला 10/1/2024 यानी कि अभी जो आया ये, इस पे आपको क्लिक करना है और ये आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, तो लिंक जो PDF जो है वो आपके सामने डाउनलोड होके आ गया है। अब मैं PDF आपको पढ़ के सुना देता हूँ और समझा देता हूँ। तो अभी आपको ये PDF यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये PDF जो है इसकी डेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये 9 तारीख का PDF है, ठीक है, लेकिन जारी आज किया गया है। तो यहाँ पे लिखा क्या है पढ़ लेते हैं। इन कंटिन्यूशन टू द नोटिफिकेशन नंबर 69 डेटेड 17 नवंबर 2023 regarding submission of exam fee for public examination of NIOS secondary and senior secondary courses April-May 2024, the schedule for registration and fee collection for all registered learner of October-November 2023 examination। तो जिन्होंने भी अभी एग्जाम दिए उनके लिए है। तो देखो, जो भी स्टूडेंट है जो विदाउट लेट फीस जो जाएगी उसके लिए आपको 12 जनवरी से 21 जनवरी यानी 9 दिन का टाइम जो है आपको दिया जा रहा है, ठीक है, 9 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप तब भी पे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, मतलब कि आपके पास दो सब्जेक्ट है तो आपके प्लस 200 एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ठीक है। मींस कि आपको एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। जैसे सपोज आप जो है दो सब्जेक्ट में फेल है या एक सब्जेक्ट में मान लीजिए फेल है, तो आपकी अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपकी फीस आती है 370, ठीक है। तो 370 प्लस 50 जो है आपके ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, और अगर आपने लेट फीस है तो प्लस 100, तो ये आपके टोटल 520 रुपीज जो है एग्जाम फीस जाएगी, ठीक है। अगर जो है आप उसमें भी सबमिट नहीं कर पाते हो, उसकी भी डेट देख लेते हैं, एक बार बता देता हूँ वो भी मैं आपको। उसकी डेट जो है आपको दे रखी है 22 जनवरी से 26 जनवरी, यानी 5 दिन का टाइम आपको मिलेगा, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। उसके बाद भी आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे 1500 रुपीज जो है आपके पर लर्नर चाह रहा है, चाहे आपके पास एक सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो, पांच सब्जेक्ट हो, छह सब्जेक्ट हो, सात सब्जेक्ट हो, कितने भी सब्जेक्ट हो, 1500 जो है आपको पे करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको 4 दिन का टाइम मिलेगा, 27 जनवरी से 31 जनवरी तक का। तो इस चीज का ध्यान रखें और जरूर सबमिट कर दें टाइम से अपनी फीस। आगे क्या बोला हुआ है, नीचे भी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनके एक साल का जो गैप था 10th और 12th के बीच में वो पूरा नहीं था, जिस वजह से उनके रिजल्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वो गलती आप ना करें, NIOS पहले ही बोल देता है। यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे देखो लिखा गया है, कंपलसरी गैप ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द ब्लॉक सेशन एंड ईयर ऑफ पासिंग द सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग पासिंग सर्टिफिकेट। इफ द लर्नर डज नॉट हैव द requisite gap of 2 years, he she shall register only in examination of 4 subjects including the subjects already passed for the forthcoming April-May 2024 examinations। ठीक है,
तो अगर आप चार सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास हो और आपका 2 साल का गैप पूरा नहीं हो रहा है तो आपको एग्जाम फीस को सबमिट नहीं करना है। जिस टाइम पे आप ये सबमिट, जब भी आपका ये 2 साल का गैप कंप्लीट होता है तभी आपको एग्जाम फीस अपने 5th सब्जेक्ट की पे करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी। अगर आप हमसे एग्जाम फीस पे करवाना चाहते हैं या ऑन डिमांड से एग्जाम देना चाहते हो, वैसे तो मैं ऑन डिमांड के लिए मना ही करता हूँ हमेशा कि कोई भी स्टूडेंट ऑन डिमांड से ना दे। अगर आपके पास कोई अर्जेंट काम है तभी ऑन डिमांड से दीजिएगा, अदरवाइज ऑन डिमांड से मत दीजिएगा। ऑन डिमांड में पास होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, पेपर का आपको कोई भी उस टाइप से हेल्प नहीं मिल पाती है जिस तरीके से आपको चाहिए होती है पास होने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप ऑन डिमांड से ना दे करके पब्लिक एग्जाम से दें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडु सेंटर दिल्ली।